दोस्तों, यह है नॉइज की तरफ से न्यूली लॉन्च होने वाला नॉइज डिफाई ब्लूटूथ हेडफोन। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया हुआ है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, इसमें 40mm ड्राइवर का भी उपयोग किया गया है, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको बेहतर मिलने वाली है। हालांकि मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके बताऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों, अगर आप इस हेडफोन को एक बार कंप्लीट फुल चार्ज कर देते हैं तो ये आपको तकरीबन 25 से 30 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है नॉइज डिफाई एक्टिव नॉइज कैंसिलेशिंग ब्लूटूथ हेडफोन का कंप्लीट बॉक्स। दोस्तों, अगर मैं इसके की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बॉक्स पर कुछ की स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी साउंड, 30 आवर प्ले टाइम, इसका मतलब कि ये आपको 25 से 30 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है, 40mm ड्राइवर, यानी कि इसमें आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सकती है। हालांकि मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, तो ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। IPX5 वाटर असिस्टेंट और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बॉक्स पर अगर प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्स रिटेल प्राइस दिया गया है 14,999 रुपये। हालांकि इसकी इतनी प्राइस नहीं है, वीडियो के अंत में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आपको हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक केस दिया गया है। आमतौर पर इस तरह का केस आपको हेडफोन के साथ देखने के लिए नहीं मिलता है। और दोस्तों, इस बॉक्स के साथ कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी बाहर निकाल देते हैं। तो आपको एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। हेडफोन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस यूजर मैनुअल में देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, तो इसे भी साइड में रखते हैं और इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हेडफोन केस की डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और दोस्तों इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया की गई है। डिज़ाइन से याद आया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए डिज़ाइंड इन इंडिया, तो ये काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है। तो चलिए इस केस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हेडफोन के साथ और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों, आपको एक हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसके साथ आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक USB 2 माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं। एक ऑडियो केबल देखने के लिए मिल जाता है, इस केबल के माध्यम से आप इस ब्लूटूथ हेडफोन को वायर्ड हेडफोन की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो इसे साइड करते हैं और बात करते हैं हेडफोन के बारे में। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का हेडफोन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको नॉइज का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, बात करें ईयर कप की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का ईयर कप है, जो कि आपके कान के ऊपर रेस्ट होने वाला है। और दोस्तों, अगर हेड रेस्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का है। तो अगर आप इस हेडफोन को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको काफ़ी कम्फर्टेबल फील होने वाला है। अब दोस्तों, इस ईयर कप को आप कुछ इस तरह से घुमा भी सकते हैं और दोस्तों आप अपने साइज अनुसार इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर से भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो अब ये सही हो गया, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि प्लस बटन, माइनस बटन, और दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इस पावर बटन को प्रेस करके इस हेडफोन को ऑन कर लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हेडफोन ऑन हो चुका है और यह हेडफोन पेयरिंग के लिए भी रेडी है। तो मैं इसे अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद पेयर न्यू डिवाइस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में ही आ गया नॉइज डिफाई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस हेडफोन को मैं अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लेता हूं। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का बटन दिखाई देगा। अगर आप इसे प्रेस करके थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो यहां पर एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि इस हेडफोन में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। और अगर आपको बंद करना है तो आप इसे प्रेस करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑफ हो जाएगा। दोस्तों एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड में अगर आप किसी म्यूजिक को सुन रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं तो आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें कम सुनाई देंगी। जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान बस के अंदर की जो आवाज़ें आती हैं या बाहर की आवाज़ें आती हैं तो वो आपको कम सुनाई देंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड में म्यूजिक सुनते हैं तो इससे बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म होती है। जैसे मान लीजिए इस हेडफोन की प्ले टाइम है 25 से 30 आवर की, तो ये आपको तकरीबन 15 से 18 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है। तो यहाँ पर आप ऑडियो केबल का इस्तेमाल करके इस ब्लूटूथ हेडफोन को वायर्ड हेडफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इस हेडफोन में इनबिल्ट माइक भी दिया गया है, तो अगर आप कॉलिंग करना चाहें या रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप कॉलिंग और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ कि इसकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी है, इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है और इसमें जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब दोस्तों आपने इस हेडफोन का डिज़ाइन देख लिया, इस हेडफोन का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों इसे आप अपने साइज के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ईयर कप है इसे आप इस तरह से मोड़ भी सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ईयर रेस्ट के लिए और हेडरेस्ट के लिए काफी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो दोस्तों अगर मैं कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो इसकी कॉलिंग क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और दोस्तों अगर म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो इसका बेस बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों वोकल भी बढ़िया है। अब दोस्तों अगर मैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड की बात करूं तो ठीक है, नॉर्मल है, प्रीमियम नहीं है। तो अगर मैं इस हेडफोन की प्राइस की बात करूं तो इसकी सेलिंग प्राइस है 5,499 रुपए। तो अगर आप इस हेडफोन को बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका बाइंग लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।